तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उमरिया जिले की। उमरिया जिले में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति है, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उमरिया किस प्रकार से अपने मध्य प्रदेश को योगदान देता है। साथ ही साथ इसमें तहसील, जनसंख्या और इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उमरिया के आसपास के बसे हुए अन्य जिलों की। देखिए, उमरिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे यहाँ पर अपन ने लिखा है। उमरिया के अलावा यहाँ पर कटनी जिला यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग इसका शामिल है। कटनी के अलावा यहाँ से नीचे जबलपुर से जिला शामिल होता है। जबलपुर याद रखिए कि जबलपुर एक दूसरा संभाग भी है। जबलपुर के अंतर्गत लगभग 8 जिले आते हैं, तो ये जबलपुर एक अलग जिला है, अपन इतना ही बस याद रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो डिंडोरी आता है, डिंडोरी के अलावा यहाँ से यहाँ तक अनूपपुर आता है, ये इतना। ठीक है, और सतना ये बहुत छोटा सा हिस्सा कवर करता है, याद रखिएगा। कभी भी मतलब अगर व्यापम में क्वेश्चन आया ही है कि व्यापम में, तो खैर सीधी डिस्ट्रिक्ट के लिए आया था कि सीधी डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बोध या नन। तो उसका सही आंसर होता है छत्तीसगढ़, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ पर अपने देख भी लिया है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि कटनी सॉरी उमरिया डिस्ट्रिक्ट ये लगभग जो है 6 राज्यों 6 डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है, जबकि इसके आसपास कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो इसके साथ सीमा साझा कर रहा हो। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है 6,44,758 की। ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्षेत्रफल यहाँ पर 4076 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 100 158 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी कम जनसंख्या घनत्व है। कारण यह है कि यह ज़्यादातर जंगल वाला एरिया है। यहाँ पर आपको जो है नेशनल पार्क्स और किला, भवन, महल वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर काफ़ी कम हो ही जानी है। साक्षरता की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की साक्षरता है 65.9% और लिंगानुपात है 950 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष। ठीक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है देखा जाए तो यहाँ पर ताला नाम का क्षेत्र है, ये प्रौग ऐतिहासिक स्थल रहा है। और इसके अलावा बात किया जाए कि यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो लोदी राजपूतों द्वारा बनाया गया था, और ये कहाँ बनाया है, नर्मदा नदी के तट पर बनवाया है। अपन सब जानते हैं कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से नर्मदा नदी निकलती है, ये यहाँ पर शहडोल जाती है, फिर उमरिया के लिए मुड़ती है, और यहाँ उमरिया की इसी क्षेत्र पर ही नर्मदा नदी के तट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर एक बनवाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो बांधवगढ़ का किला भी बना हुआ है पास में ही, और बांधवगढ़ के किले में ही बांधवगढ़ के किले को जो है बघेल शासकों ने बनवाया था। कौन से बघेल शासक, 14वीं शताब्दी में विक्रमादित्य नामक जो है ये राजा थे, इन्होंने इसी बांधवगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा बांधवगढ़ के किले के अलावा यहाँ पर शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर भी है। शेषशाही तालाब में रानियाँ जहाँ पर स्नान करती थी, और विष्णु मंदिर यहाँ पर एक लोकप्रिय यहाँ पर मंदिर रहा है। इसके अलावा ये विष्णु मंदिर आपको ये बता देते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, ये यहाँ पर जो विष्णु मंदिर जहाँ विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है, ये विष्णु भगवान की प्रतिमा यहाँ पर शयन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है, यहाँ पर लेटी हुई प्रतिमा जिसको कहते हैं। तो वो अपन ज़्यादातर तस्वीरों में जो भी विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति देखते हैं, ये वही मूर्ति है। यहाँ पर जो है काफ़ी दर्शनीय केंद्र हो गया है और लोकल लोगों के लिए काफ़ी पूजनीय है। साथ ही साथ बात करते हैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट के चांदिया नाम की जगह में कालिका माता का मंदिर है, जबकि पाली वीर सिंहपुर नाम के क्षेत्र में ब्रासनी देवी का मंदिर भी स्थित है। देखिए, अब उमरिया डिस्ट्रिक्ट की अपन अगर बात करते हैं कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भौगोलिक दृष्टि का यहाँ पर क्या महत्व है, जैसे कि अपन ने बात किया था कि यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है, 158 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कारण, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की खासियत क्या है, ये यहाँ पर जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देश में सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व वाला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेशनल लेवल पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, पहले देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है घिरा कैसे, कैसी इसकी स्थिति है, 32 पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ ये नेशनल पार्क है। अब आपको एक और क्वेश्चन आया याद आ रहा होगा, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा जगह था, याद रखिएगा भोपाल जिला 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, मुंबई, मुंबई 5 टापुओं में जो है अपना वो स्थित है। ठीक है, इस तरीके से बांधवगढ़ नेशनल पार्क का आप इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वो कौन सी जगह है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। भारत का सर्वाधिक बाघों का घनत्व तो यहीं पर पाया जाता है, लगभग 8 बाघ प्रति वर्ग किलोमीटर,
याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 8 बाघ प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ बाघ कितने हैं, ये अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा 526 है टोटल मध्य प्रदेश में, देश में मध्य प्रदेश का बाघों के संख्या में पहला स्थान आता है, जबकि दूसरे नंबर पे आता है अपना कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक जिला, कर्नाटक राज्य। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बाघों का मतलब जनसंख्या भी है, और देश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के कारण भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीएससी में मतलब हर 2-3 साल में आने वाला क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है धूपगढ़ की चोटी, उसका लेंथ कितना है, नर्मदा का लेंथ कितना है, बाघों का घनत्व कितना है, ये इसका मध्य, ये टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, ये सारी काफ़ी एकदम मतलब बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना ज़रूरी है 8-10 फैक्ट को, जो कि आना ही आना है क्वेश्चन, मतलब पीएससी में एकदम पके पकाए क्वेश्चन है, जो पहली बार भी तैयारी कर रहा है ना, ये बेसिक फैक्ट एकदम याद कर ले। और एक और, जैसे कि राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात करते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा जो है कौन से जो देश से जो मिलती है, ऑप्शन आ जाएगा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। ऑब्वियसली अफगानिस्तान तो है नहीं, अपन ज़्यादातर लोग जो टिक मार्क कर देते हैं चाइना डिस्ट्रिक्ट, चाइना राज्य। जब मैं पहली बार पीएससी एग्ज़ाम दिया था तो मैंने खुद भी ये गलती की थी, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि चाइना नहीं, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ जो है सबसे ज़्यादा साझा करती है, तो उसको खैर हम वर्ल्ड जी इंडिया जीके में जो उसको कवर कर लेंगे, तो याद रखिएगा ये तो इंडिया लेवल का भी जीके एक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बांधवगढ़ में जो है यहाँ पर अब ये नेशनल पार्क है ही, साथ ही साथ एक और नेशनल पार्क भी है यहीं इसी से जुड़ा हुआ, पनपथा नेशनल पार्क, इस पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोयला का भी कुछ भंडार मिलता है हमको, और कोयला की उपलब्धता के कारण इसको कोयला क्षेत्र भी अपना घोषित किया गया है। यहीं पर ही शहडोल से अगर निकलती हुई एक तीसरी नदी भी है जोहिला, जोहिला नदी के आसपास का क्षेत्र कोयला क्षेत्र को भी घोषित किया गया है, जहां पर कोयला का उत्खनन होता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि मध्य प्रदेश, सॉरी, ये नर्मदा नदी वाले एक लाइन पे आपको 3 डैम मिलेंगे, जिसमें जो मतलब शहडोल में जो है ये 2 डैम आपको मिलेंगे, और सॉरी शहडोल में 2 ताप विद्युत गृह मिलेंगे, जबकि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में इसी से लिंक हुआ 1 तो मिलेगा। तो ये संजय ताप शक्ति गृह है, इस संजय ताप शक्ति गृह के लिए अपन ने निर्माण का यहाँ पर बनाया गया था मंगठार डैम, ये चीज़ याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मंगठार डैम का निर्माण क्यों कराया गया, इसका निर्माण कराया गया था संजय ताप शक्ति गृह के लिए बनवाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फैक्ट था वो भूल गया, चलिए अपन आगे देख लेंगे, जैसे भी याद आएगा उसको आगे बताते जाएंगे। खैर, तो यहाँ पर जो है आर्थिक दृष्टि से आर्थिक उत्पादन केंद्र की अब बात करते हैं। आर्थिक उत्पादन केंद्र में देखिए यहाँ पर लाख से चपड़ा बनाने का सरकारी कारखाना भी अवस्थित है, जबकि इसके अलावा यहाँ पर ये जो पूरा उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और इसको आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण BFRG द्वारा फंड भी ग्रांट किया जाता है, जिसके कारण से इसका पिछड़ापन को कुछ हद तक दूर किया जा सके। अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पर, यहाँ अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की देखा जाए तो अपन ने बात किया था शहडोल जिला एकमात्र मध्य प्रदेश में ऐसा जिला है जिससे तोड़ करके 2 नए जिले बनाए गए थे। कौन कौन से जिले, एक अनूपपुर बनाया गया था और दूसरा बनाया गया था उमरिया डिस्ट्रिक्ट। अनूपपुर की चर्चा अपन अगले वीडियो में करने वाले, फिलहाल इस वीडियो में जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है तो इसकी स्थापना कब की गई है, 1998, याद रखिएगा 1998 में उमरिया डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी, और साथ ही साथ किसकी, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट शहडोल संभाग के अंतर्गत ही आया करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अपन शयन मुद्रा वाले विष्णु भगवान की मूर्ति देख लिए हैं। अपन बात करते हैं उमरिया की और इम्पोर्टेंस की, तो उमरिया घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध जिला है, और ये मतलब एंशियंट इंडिया में राजा महाराजाओं के लिए काफ़ी एक मतलब अट्रैक्टिव प्लेस माना गया है। खाली राजा महाराजाओं की भी बात छोड़िए, आप अपन देखिए यहाँ पर बांधवगढ़, इस जिले में मतलब जो बांधवगढ़ है उसका नाम बांधवगढ़ क्यों पड़ा, बांधवगढ़ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि बांधवगढ़ का अर्थ ये है भाइयों का गढ़। तो अब भाइयों का गढ़ क्या है, अपन ने पिछले वीडियो में जैसे कि चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है मतलब शहडोल जिले में यहाँ पर जो है राम और वो भरत मिलन वगैरह होता है, यहीं पर जो है अपना उनका देखे थे। तो उसके अलावा जो है राम जी ने जो है वो भरत को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, आपको अपने महल जाना होगा, क्योंकि एक राजा सिर्फ महल में ही शोभा दे सकता है, मतलब
महल के मतलब काम करने के लिए बाहर भी जा सकता है, पर मतलब महल के अलावा और इस तरह से आप जो रोड पे चलते हुए नहीं दिखने, नहीं अच्छे लगेंगे। दैट्स वाई उनको ये इंस्ट्रक्शन देने के कारण भरत जो है फिर वापस वहाँ से तो चले गए थे, लेकिन ये बांधवगढ़ नाम के क्षेत्र में अपना एक अलग से उनका महल बनवाया जाता है, जहाँ से वो राम भगवान के ऊपर भी अपनी दृष्टि रखते हैं कि कहीं से उनका कोई उन पर सॉरी कहीं से उन पर कोई बाहरी तौर पे अटैक ना किया जा सके। इसलिए यहीं पर बांधवगढ़ नाम के नामक क्षेत्र में भरत ने भी अपने एक महल बनवाया और वहाँ से उनको निगरानी किए, और कालांतर में फिर यही फिर महल अपने आप से रिनोवेट होते होते जा करके बांधवगढ़ का किला यहाँ पर आसपास बना दिया गया था। कोई ऑथेंटिक डेटा इस चीज़ का तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि मतलब उसी महल को रिनोवेट किया गया, बट हाँ उसके क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को धीरे धीरे से इसको रिनोवेट करके बांधवगढ़ का किला बनाया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर अपन ने ये सब देख लिया, यहाँ पर कोयला क्षेत्र भी मिल रहा है समझ लिए। लेकिन हाँ ये कोयला क्षेत्र आप अपन सोचेंगे कि क्या कोयला यहाँ पर अच्छा मिल रहा है, क्या ये बेनिफिशियल है, तो इसका जवाब है जी नहीं। कोयला अगर अपने को अच्छे क्वालिटी का देखना है तो अपने को वो शहडोल पे ही मिलेगा। उमरिया वाला क्षेत्र पहाड़ी से मतलब और जंगल वाला है से घिरा हुआ है, और जंगल इतना ज़्यादा नया है कि यहाँ पर कोयला उतनी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा नहीं जितनी अच्छी क्वालिटी का अपने को शहडोल में मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रीनरी वाला एरिया है अनूपपुर और शहडोल, और ये दोनों एरिया अपना जो है छोटा नागपुर पठार से और ये मैकाल और वो मैकाल पर्वत से मिला जुला सम्मिलित रूप हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है अपना जो है पुराना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कोयला मिलता है। तो इस वीडियो पे फिलहाल इतना ही, साथ ही साथ अपन कुछ और बात करते चलेंगे यहाँ पे तहसीलों की। तो यहाँ पर बांधवगढ़ तहसील है, मानपुर, पाली, चांदिया, नौरोजाबाद, करकेली एवं बिलासपुर, बिलासपुर तहसील भी याद रखिएगा। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में जो है वो अलग है, यहाँ पर बिलासपुर एक तहसील के रूप में बनाया गया है। तो इस वीडियो पे फिलहाल अपना इतना ही, अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली जितना भी है, सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, इससे बाहर का आपको एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यहाँ पर अपने उमरिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं आने वाला, आप बिल्कुल विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो पे अपन आगे भी चर्चा करेंगे, देखेंगे एक नए जिले के बारे में और समझेंगे उसको बेहतर तरीके से। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और जय हिंद।